अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ऐसा कीबोर्ड लेकर आया हूं जिसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके अपने मोबाइल को चार चांद लगा सकते हैं। ये कीबोर्ड आप यूज़ करेंगे आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे थीम्स दिए गए हैं। इस कीबोर्ड का नाम है नियोन LED लाइट कीबोर्ड। इसको आप प्ले स्टोर से बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके फ़ीचर्स मैं कुछ आपको दिखाता चलूँ। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का इसका कुछ व्यू आएगा। अभी ये मेरे सामने ओपन हो रहा है। जैसे ये ओपन होता है तो मैं इसके फीचर्स जो भी हैं मैं आपको समझा देता हूँ। इस कीबोर्ड के बैकग्राउंड में आप अपनी फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं और थीम्स को भी चेंज कर सकते हैं बआसानी। जैसे ये ओपन हुआ है, अब यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, गेट स्टार्ट और सेटिंग। हमने गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का व्यू आ जाएगा, थीम्स, माय फ़ोटो, फॉन्ट स्टाइल और सेटिंग। यहाँ पे मैं आपको इसके थीम्स दिखाता चलूँ। तो थीम्स से हम क्लिक करते हैं और इस तरह के आपको थीम्स इसके नज़र आएंगे। ये बहुत ही प्यारे प्यारे थीम्स हैं। जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो LED लाइट की तरह चमकेगा। यहाँ से मिसाल के तौर पर मैं ये वाला थीम्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे हम बैक करते हैं तो मैं आपको दिखाऊं कि जो हमने थीम सेलेक्ट किया है वो इस तरह का है। ये देखें, आप इस पर आप इजीली अभी टाइपिंग भी कर सकते हैं और कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ इसी तरह के बहुत सारे थीम्स दिए गए हैं। इसमें आप जो आपको पसंद आए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इस थीम के बैक में आप अपनी फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो आपको माय फ़ोटो का ऑप्शन दिया गया है हमने इस पर क्लिक करना है। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो फोटो वाला ऑप्शन दिया गया है इस पर आप क्लिक करके अपनी गैलरी से कोई भी फ़ोटो उठा सकते हैं। मैंने अपना फोटो पहले ही एडजस्ट किया हुआ है, तो इसको हमने यूजिंग कस्टमाइज फ़ोटो बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद बैक पर जाएँगे। अभी ये फ़ोटो हमारे बैकग्राउंड में लग गया होगा। जैसे अभी आपको दिखाता चलूँ, ये देखें, ये फ़ोटो जो मैंने सेलेक्ट किया था वो मेरे कीबोर्ड के बैकग्राउंड में आ गया है। तो इसी तरह आप अपने चैट को और भी मज़ेदार बना सकते हैं इस कीबोर्ड को यूज़ करके। तो यहाँ पे आप फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अभी देख लें कि कीबोर्ड की जो स्टाइल है वो किस तरह का है। और यहाँ फॉन्ट स्टाइल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कुछ स्टाइल दिए गए हैं। आप इनमें से कोई भी कीबोर्ड साइज़ सेलेक्ट करके इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देखें जो हमने फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे आ गया है। अभी आप देखें जो इसका फॉन्ट है ना वो यहाँ पे चेंज हो गया है। आप इस कीबोर्ड को ज़रूर यूज़ करें, बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है इसका और आपको चैट करने में बहुत मज़ा आए। वीडियो को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। शुक्रिया।